हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे जो आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम एक्सेसरी प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। देखो बच्चों, अगर देखा जाएगा एक्सेसरी प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो टोटल आपका अगर देखा जाएगा तो उसमें 6-7 टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक है नहीं। उसमें जो पहला टॉपिक है आपका देखा गया है मेल गेमिट कैसा होता है, ठीक है ना, मेल गेमिटोफाइट उसका स्ट्रक्चर उसका फंक्शन कैसा होता है। दूसरा अगर देखा जाएगा फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होता है। तीसरा देखा जाएगा पॉलिनेशन क्या है। चौथा अगर देखा जाएगा पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर देखा जाएगा तो हमारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा जो है फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बच्चों, अगर बेसिकली अगर देखा जाएगा तो एक पुष्प के चार भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जायांग होता है, यानी कि बाह्य दलपुंज को हम सेपल कहते हैं, दलपुंज को हम पेटल कहते हैं, और आपका जो मादा नर का जननांग है उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, और जो मादा का हिस्सा होता है उसे गायनोसियम कहते हैं। तो टोटल चार हो गया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जाया। तो देखो, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है वो फूल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जब फूल जब आपका फर्टिलाइज कर जाता है तो ये जो बाह्य दल और सेपल और जो पेटल है ये झड़ के आपके गिर जाते हैं, और आने वाले समय में क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइज आपका जो एग होता है वही आने वाले समय में विकसित होगा, एक सुविकसित फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपका झड़ के हट जाता है। मेल आपका पुष्प में अगर देखा जाएगा तो दो ही भाग बचता है, एक आपका एंड्रोसियम बचता है, एक आपका गायनोसियम बचता है। देखो बच्चे, बेसिकली अगर फूल के बारे में देखा जाए तो फूल हमारे लिए होते ही नहीं है, फूल हमारे लिए नहीं है, फूल हमारे कीटों के लिए होते हैं। फूल का हमारे तक कहाँ उपयोग हो, फूल हम किसी को देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फूल का उपयोग हम अगर कोई मर जाता है तो मरणोपरांत दे सकते हैं, यहाँ तक कि ऑर्नामेंटल के रूप में भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी सजावट वगैरह में या देने लेने के लिए ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ह्यूमन्स के लिए इसका उपयोग ज्यादातर नहीं है। फूल देखा है तो फूल आपका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर नर और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है। फूल आपके कीटों के लिए ही है, क्यों? क्योंकि कीट उनके तरफ आते हैं, आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को वो आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे लिए अगर देखा जाएगा तो हम कैसे फूल के साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनाएं, हम नहीं अपना सकते हैं ना। इसलिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देने के लिए सबसे अच्छा कीटों को ही एक अच्छा साधन आपका माना है। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो नेचर ने क्या किया है, कीटों के फूलों के अगर रंगों को देखा है तो फूल के रंगों को रंग बिरंगा बनाया है, लाल, पीला, नीला, हरा, जैसा चाहे वैसा कलर दिया, और कीट क्या होते हैं, उनके इन्हीं रंगों को देखकर, कलर को देखकर आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो फूल जो है हमारे किसके लिए है, कीटों के लिए है। देखो बच्चों, जो फूल में अगर देखा जाएगा जो गुड़हल का ऊपर का जो भाग होता है उन्हें हम एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम में अगर देखा जाएगा तो आपके दो भाग होता है, मतलब जो एंड्रोसियम ऊपर वाला जो भाग होता है वो पूरा एंड्रोसियम होता है। नीचे अगर देखा जाएगा तो वहां पे कुछ पतले पतले आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिन्हें कहा जाता है आपका पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुंकेसर। उसे हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम स्टामेन कहते हैं। बहुत सारे स्टामेन, बहुत सारे पुंकेसरों के गुच्छे को ही हम पुमंग कहते हैं। पुमंग आपका नर का जननांग जो फूल में ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। और जो मादा का जननांग होता है वो आपका नीचे की तरफ स्थित होता है। नर जननांग में देखा जाएगा जो पुमंग है, यानी कि बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना है, तो एक पुंकेसर के आपके दो ही भाग होते हैं, एक उसका फिलामेंट होता है, दूसरा उसका क्या होता है आपका एंथर होता है, जिसे हम पराग कोश कहते हैं। स्टामेन का कोई काम नहीं होता है। स्टामेन में अगर देखा जाएगा ऊपर का जो भाग हमारा क्या है, पराग कोश, जिसे हम एंथर कह रहे हैं। एक एंथर का अगर देखा जाएगा दो भाग होता है, यानी कि एक पाल इधर और एक पाल इधर, दो पाली से मिलकर आपका बायोलोब्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसे हम पराग कोश कहते हैं। इस पराग कोश के अंदर अगर देखा जाएगा तो चार आपके खजाने से भरी डब्बिया पाई जाती है, जिसे हम परागधानी कहते हैं, ठीक है। इसी परागधानी के अंदर क्या होता है, आने वाले समय में पॉलिंग ग्रेन का निर्माण होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, आपकी माइटोसिस करेंगी। माइटोसिस के बाद आपका मियोसिस का प्रोसेस होगा, दो से चार सेल्स बनेंगे, फिर चारों जो सेल्स बनेंगे वो आपस में जुड़े होंगे, मियोसिस के द्वारा होगा। एक मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस होगा तो दो सेल बनेगा, फिर सेकेंड मियोसिस होगा तो चार सेल बनेगा। इस तरह का देखा जाए तो एक मियोसिस से आपके चार सेल्स बनते हैं, चारों सेल आपके आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति आता है परागधानी के अंदर क्या होते हैं, बहुत
सारे आपके पराग कण जब भर जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे पराग कण क्या होते हैं, आपके बाहर निकलते हैं। और निकलने के बाद क्या होते हैं कि कुछ पराग कण जब परागधानी के अंदर होते हैं तो 60% अवस्था में जो पराग कण होते हैं उनके अंदर आपका क्या होता है माइटोसिस, एक बार माइटोसिस अंदर हो जाती है और एक बार माइटोसिस होती है आपके जब वो पराग कण मादा की वर्तिकाग्र पर आता है तब जाकर होता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि जब पराग कण मादा की वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र से क्या निकलती है, वहां से एक पॉलिन ट्यूब निकलती है, वही पॉलिन ट्यूब आपके अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुमंग जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। बहुत सारे पुंकेसरों से मिलते हैं और पुमंग का निर्माण करते हैं। पुमंग का जो एक हिस्सा जिसे हम पुंकेसर कहते हैं उसका एक ही हिस्सा ऊपर की तरफ होता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछता है कि पुंकेसर आपका कितना लोब्ड होता है, तो आपका बाय लोब्ड होता है, दो पालू से मिलकर बना होता है और प्रत्येक लोब के अंदर दो थीका होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इसे इन्हें डाइथीकस के नाम से जाना जाता है। तो एक लोब में दो थीका तो दूसरे लोब में आपका दो थीका, तो टोटल कितने थीका हो गए आपके, चार थीका का आपका निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा अगर देखा जाएगा तो आपका क्या होगा, नर का हिस्सा आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरा अगर देखा जाएगा तो मादा का हिस्सा होता है, मादा का हिस्सा कहाँ होता है, पुष्प का जो नीचे का भाग होता है जो चौड़ा होता है वो वहां पे मादा का जरा नाग होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है अंडाशय होता है, अंडाशय होने की वजह से वो हिस्सा जो होता है वो आपका चौड़ा होता है। उस अंडाशय के अंदर अगर देखा जाए तो आपके क्या होते हैं बहुत सारे आपके बीजांड होते हैं, उस बीजांड के अंदर देखा जाएगा बहुत सारे आपके छोटे छोटे आपके न्यूसेलस होते हैं, उन न्यूसेलस में से एक सेल्स क्या होती है बड़ी होती है जो आने वाले समय में गुरु बीजाणुधानी का निर्माण करती है। वो गुरु बीजाणुधानी क्या करती है अपने अंदर मियोसिस करती है, मियोसिस के उपरांत चार पुत्री कोशिकाओं को बनाती है जिसमें से तीन क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, एक ही सेल्स बनती है उसी को ही हम क्रियात्मक गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। आने वाले समय में वही जो आपकी क्रियात्मक गुरु बीजाणु थी वो आपका भ्रूणकोष यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह देखा जाएगा अंडाशय के नीचे क्या होता है आपका भ्रूणकोष बन जाता है। जब ये भ्रूणकोष आपका तैयार हो गया यानी कि फीमेल तैयार होगी, ऊपर आपका मेल तैयार ही हो गया, तो जब फीमेल तैयार हो जाती है तो इस फीमेल के अंदर भ्रूणकोष के द्वारा क्या होता है आपका सात कोशिकीय और आठ केंद्र का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये जो गुरु बीजाणु क्रियात्मक गुरु बीजाणु थी उस गुरु बीजाणु के अंदर क्या होता है बार बार माइटोसिस होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ क्या होता है आपके केंद्रक विभाजन होता है, क्योंकि जब कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो उन कोशिका में सबसे पहले आपका केंद्रक विभाजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है बार बार वो आपका जो गुरु बीजाणु थी वो केंद्रकों का विभाजन करती है और एक समय ऐसा आता है कि भ्रूणकोष के अंदर आपका सात कोशिकीय और आठ केंद्र बन जाते हैं, तीन आपकी ऊपर जाती है, तीन आपकी नीचे आती है, दो बीच में आ जाती है। तो जो तीन ऊपर जाती है उन तीनों में से जो दो सेल्स होते हैं उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, उन सहायक कोशिका के बीच में एक कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं, नीचे क्या होती है तीन कोशिका होती है जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानते हैं, बीच में क्या होता है दो आपके ध्रुव केंद्रक होते हैं। ये क्या होता है पूर्ण रूप से मादा के अंदर एम्ब्रियो सैक क्या हो जाता है जब तैयार हो जाता है तब ये इंतजार करती है नर का, क्योंकि जब नर और मादा जब तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और आने वाले समय में क्या होगा जायगोट, जायगोट के बाद क्या होता है आपका एम्ब्रियो बनता है। तब देखिए क्या होगा, अब इधर आपका ऊपर नर तैयार हो गया, नर जब तैयार होता है तो मादा के वर्तिकाग्र पर आती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा जो मादा का हिस्सा हो उसके तीन भाग होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो वर्तिकाग्र होता है, बीच का जो हिस्सा होता है वो वर्तिका होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपका जायांग होता है। तो जायांग हो गया, वर्तिका होती है और आपकी वर्तिकाग्र होती है, ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, जिसे कार्पेल और आपका देखा जाएगा कार्पेल के नाम से जाना जाता है या पिस्टल कह सकते हैं या इन दोनों को भी तीनों को मिलाकर हम गाइनोसियम कह सकते हैं। अब इम्ब्रियो सैक अब मादा के अंदर बीजांड के जो नीचे का हिस्सा था अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या था आपका बीजांड और बीजांड के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस थे, उन न्यूसेलस में से एक सेल आपका मेच्योर हो गया और वही मेच्योर हुआ तो इम्ब्रियो सैक का निर्माण हो गया। तो इधर आपकी फीमेल भी तैयार हो गई, उधर आपका मेल तैयार ही हुआ था और तैयार होकर कहाँ हुआ था मादा की वर्तिकाग्र पे आकर बैठा था। देखो बच्चों, जैसे ही पॉलन ग्रेन मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है ना, उन दोनों के बीच में आपस में इंट्रैक्शन होती है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि नर और मादा आपस में बातचीत करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के जाति के हैं कि नहीं। देखो ह्यूमंस में भी अगर देखा जाएगा तो फीमेल के अंदर जब मेल का स्पर्म जाता है तो वो अंडाशय के अंदर से जो अंडा निकलकर आपके फेलोपियन ट्यूब में जब जाता है और जाने के बाद जब शुक्राणु का इंतजार करता है तो जब वो शुक्राणु उस अंडा के पास आती
तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होती है, बातचीत होती है कि हम दोनों एक ही जाति के हैं कि नहीं। सपोज दैट अगर आप मान लीजिए अगर फीमेल के अंडे को अगर किसी हिरण वगैरह के शुक्राणु के साथ मिलाया जाए या किसी अन्य प्रजाति के शुक्राणु के साथ मिलाया जाए तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के जाति को जब तक पहचाने तब तक नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी ही नहीं। जब हम दोनों एक जाति के रहेंगे तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वर्तिकाग्र पर आता है और उसके अंदर से दो नर युग्मक बनते हैं और वही दो नर युग्मक आपके पॉलन ट्यूब से होते हुए नीचे एम्ब्रियो सैक में जाता है। उनमें से एक नर युग्मक बीच में उपस्थित अंडा होती है, अंडा से निषेचित होता है और जो दूसरा नर युग्मक है बीच में ध्रुव केंद्रक होते हैं उससे जाकर निषेचित होता है। इस प्रकार क्या होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। थैंक यू।